आज का वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जो बेरोजगारी भत्ता का फॉर्म उन्होंने भर तो दिया है, लेकिन भरने के बाद उनके फॉर्म में सेंड टू सिटीजन आया हुआ है, मतलब यानी कि विभाग द्वारा सिटीजन के पास वापस भेज दिया गया है। उसका कारण कोई भी हो सकता है, उसका कारण इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स हो सकता है, या फिर आय प्रमाण पत्र में कोई भी कमी हो सकती है, या भी कोई भी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल या फिर कोई भी अपात्र डॉक्यूमेंट्स कुछ भी हो सकता है कारण में। तो ऐसी स्थिति में आवेदक क्या करें, परेशान है बहुत आवेदक। तो इस स्थिति में आप एक बार आपकी SSID और पासवर्ड लगा के लॉगिन करें या लॉगिन करवाएं नज़दीकी सेंटर पर जाके, कंप्यूटर सेंटर पर, और वहाँ पर दिखवाएं कि सेंड वेक किस कारण से आया हुआ है। जैसे कि इस फॉरम में 2020 का ही आवेदन है, 2020 में ही इसे सेंड वेक कर दिया गया है विभाग द्वारा, और इसमें लिखा हुआ है सेंड वेक टू डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉय एक्सचेंज करौली के द्वारा ये भेजा गया है इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स। इसमें क्या आया है, इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स ये आप देख सकते हैं, रिमार्क लगा के, और इनकम डिक्लेरेशन फॉर नोटरी एप्लीकेंट की पंचायत समिति की होनी चाहिए। यह है इसमें कोई भी, मतलब इनकम सर्टिफिकेट से रिलेटेड ही ज़्यादा बैक आ रहा है, या जनाधार में फैमिली मेंबर उनकी इनकम क्या देकर रखी है, कितने सदस्य हैं उसमें, आपने कुछ लगा रखे हैं, मतलब तमाम तरीका के ऐसे वो सेंड बैक कर देते हैं। तो इसके लिए समाधान के लिए आप क्या करिए, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल, और हमने इससे रिलेटेड और भी बेरोजगारी भत्ता से रिलेटेड और भी कई वीडियो बना रखे हैं। आपके जो भी सवाल या भी आपकी समस्या है तो आप लिस्ट में जाके देख सकते हैं, आप समाधान हमने बताए हुए हैं। तो इस स्थिति में आपको नज़दीकी सेंटर पर जाना है, और आपको डॉक्यूमेंट जो भी इसमें मांगा है, उसको आय प्रमाण पत्र मांगा है तो आय द्वारा बनवा के इसको सबमिट कर देना है, ताकि आपका बेरोजगारी भत्ता मिलता रहे। ध्यान रहे कि बेरोजगारी भत्ता 2018-19-20 के भरे हुए फॉर्म अब अप्रूवल कर दिए गए हैं विभाग द्वारा, वेरीफाई होता है। वेरीफाई होने के बाद 24-1 को ये बहुत फॉर्म आवेदन अप्रूवल किए हुए हैं, उनका भत्ता जनवरी फरवरी माह का अभी तुरंत चालू हो जाएगा। अभी आपको भी किसी प्रकार की इस प्रकार की समस्या है तो आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं। भत्ता का फॉर्म भरते समय कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, इसका वीडियो हमने बना दिया है, जिसका लिंक है जो प्ले लिस्ट में है। मूल निवास की ज़रूरत पड़ेगी, ग्रेजुएशन डिग्री चाहिएगी, तहसील की मार्कशीट लगेगी जो कि ओरिजिनल लगानी है, और आय प्रमाण पत्र का ANX लगेगा, बैंक की पासबुक लगेगी जो कि SBI बैंक की लेनी है, इनकम सर्टिफिकेट का I भरवाना है जो कि नोटरी वाला भरेगा, K वाला भी नोटरी का ही है, और ST SC सर्टिफिकेट ये लगेगा, सेल्फ डिक्लेरेशन इसमें लगेगा। इसमें आपको किसी प्रकार गलती नहीं करनी है, इसका फॉर्म भरने का तरीका आपको हमने वीडियो में बता दिया गया है, आप प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। हमारा चैनल देखते रहिए, बेरोजगारी भत्ते से संबंधित हम तमाम प्रकार की जानकारी आपको देते रहेंगे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डिजिटल सेवा, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन बजा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।